बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। शिखर एनजीओ पिछले 12 सालों से भुसावल और भुसावल के आसपास सामाजिक शैक्षिक वैध की क्षेत्र में काम कर रहा है और आए दिन समाज के मुद्दों को हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खड़का रोड फिरदौस होटल के सामने की, जहां कई सालों से पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने बताया, यहां से महिलाओं बुजुर्गों बच्चे रोजाना गुजरते हैं, कई बार बाइकें यहां से स्लिप हुई हैं। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन कोई हादसा होने का इंतजार कर रहा है? रफीक शेख ने बताया कि आगे नाली चौक होने से भी नाली का पानी रोड पर आ रहा है। रोड का उतार चढ़ाव भी सही तरह से नहीं है कि बरसात का पानी निकल जाए। रफीक शेख ने ये भी बताया कि उन्होंने अभी सीईओ साहब से फोन पर बात की है और इन समस्याओं को उन्हें अवगत कराया है। रफीक शेख ने साथ ही साथ नगर पालिका से अपील की है संख्यक वार्डों में पीने का पानी वक्त पर दिया जाए, आधी रात के बजाय दिन में पानी दिया जाए, ताकि औरतों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। रोडों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, नालियों पर ढाबे टूट चुके हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट बंद है। इन तमाम समस्याओं पर नगर पालिका ध्यान दे, वरना हम संविधान के दायरे में रहकर पूरी ताकत से विरोध करेंगे। रफीक शेख ने बताया है कि हमें सीईओ साहब से पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। भाई, हमारा बोलना ये कि जैसा हम देख रहे हैं खड़का रोड के ऊपर फिरदौस होटल के सामने जो इतने कई सालों से, मतलब एक डेढ़ सालों से ये मसला है कि यहाँ पे पानी इतना जम जाता है, आगे से जो नाली वो लीक है वो नाली का भी पानी यहाँ पे आ रहा है और नाली के साथ साथ जो बरसात का पानी जमा होता है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये पानी पास हो। इससे इतनी दिक्कत होती है कि आने जाने वाली महिलाएँ हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, कई दफ़ा यहाँ गिर भी चुके हैं। गिरने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डबल सीट लेडीज़ आ रही है तो एक लेडीज़ पीछे उतरती है, फिर आगे निकल के फिर वह अटके जाती है। अगर कोई हादसा होता है, किसी का सर पे, हाथ पे, पैर पे लगते है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और कई सालों से ऐसा नहीं कि बात आज हो रही है, पाँच साल से, तीन चार सालों से ये मुद्दा उठ रहा है। तीन चार सालों से कई दफ़ा ये सीईओ साहब के पास भी गए, सीईओ साहब के साथ साथ कई मरतबा दूसरे अधिकारी को भी इन्होंने बोला, सब तरफ से आश्वासन मिलता है और कभी काम होता है तो टेम्परेरी काम होता है, परमानेंटली कोई इसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकला। अभी तक हम लोगों ने हमारे जेब से जो यानी जो भी खर्च किए हम लोगों ने ही खर्च किए और वो मुरुन डालने का काम हमने ही किया। अभी तक किसी ने, कोई नगर सेवक बढ़ चढ़ के इस पर कोई किसी ने का ये नहीं किया है, काम नहीं किया इसमें। तो अभी मेरी सीईओ साहब से फ़ोन पे बात हुई कि आज सैटरडे है, सैटरडे की वजह से नगर पालिका बंद है, सीईओ साहब भी आउट ऑफ है, तो मेरी अभी सीईओ साहब से इन्हीं के सामने फ़ोन पे बात हुई। सीईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और काम करके देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही सरकार से और यहाँ के नगर पालिका से मांग है कि भाई शिखर एनजीओ के बिहाफ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप जल्द से जल्द इस काम को करने की कोशिश करें। अगर ये जल्द से जल्द काम नहीं हुआ तो शिखर एनजीओ और हम हमारे हिसाब से और हमारे तरीके से जैसे काम होता है उस तरीके से काम करा करके ये लेंगे, क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो है पानी रुकने की वजह सबसे बड़ी क्या है आपके नज़र में, क्या आ रहा है? मेरी देखो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आगे की नाली है वो लीक है, यानी वो डंपर जाने से टूट चुकी है। मैंने अभी सर्वे किया था, मैंने देखा वो नाली का पानी भी यहाँ पर आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये नाली के साथ साथ ये पानी का जो आउटलेट है किस तरह से स्लूप होना वो भी सही तरीके से नहीं है। अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे और इतना ही टुकड़ा ना ले बल्कि पीछे से अगर वो दुरुस्त करते आए तो पानी बराबर सॉल्व होगा। क्या होता है, जहाँ पानी जम रहा है बस उसी पे मुरूम डाल के अगर काम करेंगे तो उसका परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर तरीके से नाली बंद होना चाहिए, नाली का आउटलेट निकलना चाहिए कि नाली का पानी रोड पर ना आए, और जो रोड पर पानी हो रहा है तो ये रोड पे पानी भी ना जमे, इसको ऐसा स्लूप निकालना है कि पानी बराबर नालियों में जाए। तो आप नाली की बात कर रहे हैं, लाल बिल्डिंग से लेकर तो जो अमर दुप्पा स्कूल है वहाँ तक अगर नालियाँ देखेंगे तो सब नालियों के ऊपर जो है ढापे रखे हुए हैं। नालियाँ किस तरह साफ होंगी अगर देखा जाए तो? नालियों के ऊपर ढापे हैं, सब सही बात है, बाकी कुछ जगह ऐसी नालियाँ ब्लॉकेज हो रही है क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रकें आ रही है जिसमें करीबन 20 टन 25 टन का माल आता है, उसकी वजह से वो नालियाँ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। और वो लोग जिनकी ट्रक रहती है, डंपर रहते हैं, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो नालियों को फिर से दोबारा यानी साफ़ करवाएं। वो नाली साफ़ करवाते नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, जिसकी वजह से पानी पूरा बाहर आता है। कभी सभी ने ढापे के, इसका जो मेन कारण है ढापा नहीं है, इसका मेन कारण है जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यानी नालियों को डैमेज करती है, वो जो डंपर वाला है वो उसकी जिम्मेदारी से वो कुछ दोबारा खाली करवाता नहीं है नाली। और मैं इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि ये मसला अकेले होटल फिरदौस वालों का नहीं है। चलो मानते हैं कि इनकी होटल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से सैकड़ों लोग डेली गुजरते, हमारी माएँ बहनें, ये उनका भी
मसला है। तो मेरे भाइयों, हम जितने भी लोग हैं, हम ये कौम की ज़रूरत समझ के इसको हम जिम्मेदारी ले और ये काम जल्द से जल्द प्रशासन करें, ऐसे प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी अल्पसंख्यक वार्ड है वहाँ पे नल जो रातों में 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे ऐसे आ रहे हैं, दिन में नल देने का नगर पालिका वो खरे काम करे। उसके साथ साथ MSEB के जितने लाइट से कई जगह बंद है चालू है, पूरे भुसावल की लेवल की हम बातचीत कर रहे हैं, तो नहीं पूरे 5 साल में करे, तो अब इलेक्शन आ रहे, कम से कम इलेक्शन के नज़दीकी ये काम करके दे दे ताकि स्ट्रीट लाइट चालू रहे, नल ऐसे टाइम पे आए कि लेडीज आराम से पानी ले ले। और बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पे ढापे मुकम्मल नहीं है। अभी हमारी वार्ड की बात, मेरे को कई दिनों से 2-3 लोगों के फ़ोन भी आए, आके मेरे से मिले, केवल कुछ लोगों ने ढापे बनाने का वादा करके गए लेकिन अभी तक ढापे नहीं बनाए, तो तुम ढापे बनाओ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि नगर पालिका ने जो ढापों का टेंडर निकाली, वो टेंडर किसके नाम से निकाले, वो ठेकेदार कौन है भाई, उनको जिम्मेदारी दो कि हर वार्ड में जाके सर्वे करे, जहाँ ढापे टूटे हुए वहाँ ढापे बनाने का काम वो करे, जहाँ पे पानी का जमा हुआ वो पानी को निकालने का प्रयास करे। मतलब जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, नहीं 100 तो 50% भी अगर वो काम करेंगे तो लोगों की इतनी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। जो रफ़ीक भाई हैं NGO शिखर NGO के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये तकलीफ देखी, यानी होटल फिरदौस के सामने जो तकलीफ़ हो रही है, और पर्सनली आके उन्होंने मुझे ये बात की कि मैं इसके लिए कुछ कोशिश करता हूँ, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि रफ़ीक भाई के ज़रिए ही ये काम होगा, और इंशाल्लाह ये काम जो कई सालों से लटका हुआ है ये रफ़ीक भाई करेंगे बराबर।